Hey guys, so welcome back to my channel. I hope you guys are doing great and staying safe. आज मैं आपके लिए एक बहुत ही फेमस और साउथ इंडिया की ट्रेडमार्क डिश लेके आया हूँ जिसका नाम है सांभर. सांभर पर्सनली मेरे को बहुत पसंद है जिसके पीछे एक रीज़न भी है. ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड डेज आई वॉज नॉट वेरी मच फॉन्ड ऑफ वेजिटेबल्स, तो मेरी मॉम एक ट्रिक प्ले किया करती थी. वो सारी वेजिटेबल्स को दाल के साथ मिक्स कर देती थी और इन द फॉर्म ऑफ सांभर वो हम लोग को सर्व करती थी. उसमें पम्पकिन भी होता था, ब्रिंजल भी होता था, पोटैटो भी होता था. जो सब्जियाँ हम लोग कभी पसंद नहीं करते थे वो हम लोगों को सांभर के साथ बहुत अच्छी लगती थी. तब से लेकर आज तक मेरे को सांभर बहुत पसंद है. पर्सनली मैं वीक में एक बार तो सांभर बना ही लेता हूँ. तो सांभर का कॉम्बिनेशन बहुत सारी डिशेस के साथ बन सकता है. बहुत लोग इसको इडली वड़ा के साथ पसंद करते हैं, कई लोग इसको डोसा के साथ खा सकते हैं और कई लोग इंक्लूडिंग मी राइस के साथ भी बहुत खाते हैं. तो चलिए घर चलते हैं और सांभर बनाते हैं. सांभर के साथ आज मैंने पीनट की चटनी भी बनाई है, तो चलिए उसकी भी रेसिपी देखेंगे. अरहर की दाल ले ली है. कई लोग इसको 20 से 30 मिनट तक सोक करके भी रखते हैं, बट मैं इसको कुकर में ही पकाऊंगा. तो इसको हम कुकर में डाल लेते हैं. फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं. पानी की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा. अब हम इसमें 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर डाल देंगे. सॉल्ट डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग. मिक्स कर लेंगे. अब एक सीक्रेट टिप, इसमें थोड़ा सा हम ऑयल ऊपर से डाल देंगे. ऑयल इसमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब इसमें सीटियाँ आती हैं तो ऑयल डालने से दाल जो है वो बाहर नहीं फैलती है, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल दीजिएगा. अब हम इसको बंद कर देंगे. अब मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 सीटी आने तक अब हम इसको कुक करेंगे. तो 3 से 4 सीटियाँ आ गई हैं और मैंने गैस बंद कर दी है. और देखिए ऑयल डालने का क्या फ़ायदा हुआ, ज़रा से भी दाल जो है वो बाहर नहीं निकली है. देखिए अब हम इसका प्रेशर निकलने का वेट करते हैं. तो इस बीच में हमने थोड़ा सा टैमरिंड ले लिया है और उसको हम हॉट वाटर में 10 से 15 मिनट तक सोक कर लेंगे. आज समर में मैं कौन कौन सी सब्जियां यूज़ करने वाला हूँ वो देख लेते हैं. तो मैंने 2 पोटैटो लिए हैं, थोड़े से ड्रमस्टिक लिए हैं, 1 ऑनियन लिया है, 2 से 3 चिलीज लिए हैं, 1 टमाटो लिया है और 2 ब्रिंजल लिए हैं. ये बहुत ही बेसिक सब्जियां हैं जो बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं, बट आपको जो भी सब्जियाँ पसंद हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग समर में डाल सकते हैं. तो देखिए सारी सब्जियों को हमने इस तरह से चॉप कर लिया है. मैंने ज़्यादा छोटे नहीं किए हैं, मैंने थोड़े बड़े बड़े पीसेस ही रखे हैं. समर में बड़े पीसेस अच्छे लगते हैं. तो अब हमने एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है और इसको थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं. अब हमने जितनी भी सब्जियां चॉप की हुई थी वो फ्राई कर लेते हैं. टमाटर हम अभी नहीं डालेंगे, टमाटर हम बाद में डालेंगे, लेकिन बाकी सारी सब्जियां हम फ्राई करने के लिए इसमें मिक्स कर लेंगे. हमें इन सब्जियों को जस्ट थोड़ा सा फ्राई करना है, हमें इन्हें पकाना नहीं है अभी, क्योंकि हम इसको दाल के साथ 1 सीटी लगा के पकाएंगे. तो अभी जस्ट थोड़ा सा हमें इसको फ्राई करना है. थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे. तो सब्जी हमारी फ्राई हो गई है अच्छे से. अब हम इसको दाल में मिक्स कर देंगे जो हमने बॉईल करके प्रेशर निकालने के लिए रखी हुई थी. अब इस दाल में हम लोग जो हमने सब्जियां फ्राई की हुई थी उसको मिक्स कर लेंगे. और जो हमने टमाटर चॉप किए हुए थे उसको भी इसमें डाल लेंगे. तो हमने इसको मिक्स कर लिया है. अब इसको
अब कुकर को बंद करके हम इसमें एक सीटी लगा लेंगे। अब ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप सब्जियां बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पसंद करते हैं सांभर में, या थोड़ा सा मीडियम आपको टेक्सचर उसका पसंद है, या थोड़ा सा रफ टेक्सचर पसंद है। तो मैं सब्जियां थोड़ी खड़ी खड़ी पसंद करता हूँ सांभर में, इसलिए मैं इसमें सिर्फ एक सीटी लगाऊंगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा सॉफ्ट पसंद करते हैं सब्जियां तो आप तीन सीटी भी लगा सकते हैं। तो चलिए एक सीटी आने का वेट करते हैं। तो एक सीटी आ गई है, अब हम गैस बंद कर देते हैं और प्रेशर निकलने का वेट करते हैं। तो चलिए बीच में हम पीनट की चटनी बना लेते हैं जल्दी से। तो हमने एक पैन में पीनट्स ले लिए हैं, अब हम इसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। इन सब के साथ हमने चार गार्लिक ले लिया है, थोड़ा सा टैमरिंड और दो खड़े मिर्च। इन सबको हम स्लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे 5 मिनट तक। इन सबको अच्छे से रोस्ट करने से इसका कच्चापन थोड़ा सा चला जाता है और चटनी बहुत अच्छी बनती है। तो देखिए पीनट हमारे थोड़े से गोल्डन ब्राउन कलर के होने लगे हैं। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। तो ये हमारा अब ठंडा हो गया है, अब हम इसको जार में डाल लेते हैं। थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे और थोड़ा सा पानी। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट बन गया है चटनी का। अब हम इसको एक बाउल में निकाल के तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो चटनी में तड़का लगाने के लिए हमने 1 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है और इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स डाल लेंगे, 2 रेड चिली डाल देंगे तोड़ के, थोड़े से करी लीव्स भी डाल देंगे। गरम होने देंगे इसको थोड़ी देर। अब ये तड़का हम चटनी में डाल देंगे। देखिए पीनट की चटनी हमारी बनके तैयार है। तो प्रेशर निकलने के बाद हमारी सब्जियां देख लेते हैं कि कैसी हो गई हैं। तो ये देखिए इसका टेक्सचर, देखिए। अब गैस को हम लो फ्लेम पे कर देंगे और इसमें हम थोड़ा सा और मसाला डालेंगे। तो मैंने 1 टीस्पून चिली पाउडर ले लिया है, तो उसमें सांभर पाउडर को थोड़ा सा पानी में मिक्स कर देता हूँ। सांभर पाउडर मैंने आची का यूज किया है, बट मार्केट में जो भी अवेलेबल हो आप उसको यूज कर सकते हैं। देखिए सांभर पाउडर डालने से सांभर का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। गैस मेरी लो फ्लेम पे है, इसको धीरे धीरे कुक करेंगे। टैमरिंड जो हमने सोख के रखी थी वो देखिए ऐसे हो गई है, तो इसको छन्नी से छान लेते हैं। तो 2 से 3 मिनट तक हम इसको पकने दे रहे हैं। ये देखिए सांभर ज़्यादा थिक भी नहीं अच्छा लगता और बहुत ज़्यादा इसमें पानी भी नहीं अच्छा लगता, तो मेरे ख्याल से इतनी कंसिस्टेंसी सांभर की सही है। सांभर में तड़का लगाना बाकी रह गया है, तो तड़के की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स डाल लेते हैं, थोड़ा सा चॉप्ड गार्लिक डाल लेंगे और 2 खड़े मिर्च। एंड सांभर अधूरा है हींग के बिना, तो थोड़ा सा हींग भी डाल लेंगे, 1/4 टीस्पून। तो ये देखिए
ये लगभग हो गया है, हमारे गार्लिक गोल्डन कलर में कन्वर्ट हो गए हैं, तो अब हम इसको सांभर में मिक्स कर लेते हैं। तो सांभर हमारा तैयार है, अब हम इसको सर्व करने के लिए बाउल में निकाल लेते हैं। तो देखिए सांभर हमारा बनके तैयार है और बाउल में ये ऐसा लग रहा है। आज सांभर हम इडली के साथ खाएंगे। इडली मैंने कल रात को बनाई थी, उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूंगा। और ये देखिए हमारी चटनी